देखो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये बताओ कि कौन कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। अगर आप ये ना बता पाए तो आगे करने का ही फायदा नहीं, आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहले सी टू सी थ्री किस में इन सीरीज दिख रहा है, क्योंकि एक लाइन में दो कैपेसिटर्स हैं, और जो आंसर आएगा वो सी वन सी फोर के साथ इन। गलत गलत, सिर्फ सी वन के साथ पैरेलल, सी फोर के साथ पैरेलल नहीं। अब कहोगे कैसे, लग तो रहा है कि ये सब एक के नीचे एक है, तो अगर जिन्होंने ये तीनों पैरेलल ले लिए वो तो गलत है। अब देखो एक एक करके करते हैं, ऐसा कैसे मुझे पता लगा। सबसे पहले ये तो समझते हो सीरीज में कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो मैं काम करता हूँ, ये आपके पास 300 वोल्ट की बैटरी है और ये आपके पास एक 100 पीको फैरेड का एक कैपेसिटर है, और मैंने एक दो की जगह ये सीरीज में है एक कैपेसिटर लगा लिया, सॉल्व करके क्या आएगा 100 पीको फैरेड। इसको मैंने टच नहीं किया जो कि कितना है 100 पीको फैरेड, और ऐसे अभी तक तो ये ठीक है, बिल्कुल ठीक, आराम आराम से करेंगे। अब डिसाइड करते हैं ये तीनों पैरेलल में क्यों नहीं है, ये दो पैरेलल में क्यों है। देखो ये एक जंक्शन है V1, ये एक जंक्शन है मान लो V2, अगर ये V2 तो ये प्लेट भी V2, ये V1 तो ये प्लेट V1, ये V1 और ये V2, और ये बैटरी का V2 और ये कैपेसिटर का V1। अब मुझे ये नहीं पता कि इस बैटरी की ये और ये प्लेट कितने पोटेंशियल पे है, क्योंकि अगर ये तीनों पैरल में करने हैं तो V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, अब ये पता नहीं कि V2 है कि नहीं, और अगर मैं इसको V2 ले लेता हूँ तो ये भी V2, अब V2 में से V2 गया तो 0, तो आंसर बैठेगा नहीं, तो V2 तो नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों तो पैरल में हैं पर लेकिन ये इसके साथ पैरल में नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है तो हम वापस इसको करते हैं, तो ये चेकिंग हमने कर ली इसकी, ठीक ओके। तो इसमें ठीक, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इसकी जगह एक कैपेसिटर लगाते हैं 200 पीको फैरेड का, इसको टच नहीं करते 100 पीको फैरेड का, और फिर से एक बैटरी 300 वोल्ट की, ये रहा डायग्राम। अब कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ये दो कैपेसिटर सीरीज में हैं? हाँ ये बिल्कुल सीरीज में है, एक ही वायर के अंदर दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, सीरीज में है, बिल्कुल सही। नहीं तो ऐसे कर लो, ये 300 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगा लो और इस डायग्राम को ऐसे बना लो, ये देखो इस डायग्राम को ऐसे बना लो, जिसके अंदर ये कितना है 200 पीको फैरेड, ये कितना है 300 पीको फैरेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, सेम डायग्राम है। अब इसके अंदर मुझे हर के ऊपर चार्ज निकालना है, ये दोनों कैपेसिटर्स किसमें कनेक्टेड है इन सीरीज, तो दो की जगह जब एक कैपेसिटर लगेगा तो बोलो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ रही है। साइड पे सॉल्व करते हैं, 200 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 300, ऐसा ही होगा ठीक, तो कितना आ गया 6 डिवाइडेड बाय 500 ऐसे, ठीक नहीं गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये पैरेलल में 200 और ये 100, तो मैंने 200 और 300 लिख दिया, ये पीको फैरेड नहीं है, थोड़ा गलत लिखा मैंने यहाँ, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए 200 एंड 100 पीको फैरेड, वैल्यू गलत लिख दी, 100 है अब, ठीक है। तो अब करते हैं, तो 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 100, 2 डिवाइडेड बाय 300, ये लो, तो आंसर आ गया 200 डिवाइडेड बाय 3 पिको फैरेड। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने निकाल दी, ठीक है ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है अब शुरू करते हैं इसकी बैक ट्रैकिंग, उल्टी उल्टा तरफ जाएंगे कैसे। इसके ऊपर चार्ज क्या है टोटल, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, 200 बाय 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 इंटू 300, तो ये कट गया यहां से,
तो q की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 8 कूलम। ठीक है, तो इसका चार्ज आ गया। अब ये कैपेसिटर किसका बना हुआ है, इन दोनों का, कनेक्टेड इन सीरीज, और सीरीज में क्या चीज सेम रहेगी, चार्ज। तो क्योंकि इसका चार्ज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 है, तो इसका मतलब इसका चार्ज भी क्या रहेगा, 2 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 8 कूलम, और यहां भी 2 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 8 कूलम। ये क्लियर है यहां तक? ठीक, ऑब्वियसली इसके लिए भी सेम ही तो डायग्राम है, 2 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 8 कूलम, 2 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 8 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये वाला चार्ज तो आ गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम, ये कैपेसिटर इन दोनों से बना हुआ है, कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अब अगर ये कैपेसिटर पैरेलल में बना हुआ है, तो V की वैल्यू दोनों की क्या रहेगी, सेम। तो इसका V क्या है, इसका V निकाल लेते हैं कैसे, Q डिवाइडेड बाय C। चार्ज कितना है, 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8, और C कितना है, 200 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12। तो V सॉल्व करके चेक करो कितना आ रहा है, 100 वोल्ट आएगा, 100 वोल्ट। तो V 100 वोल्ट आ गया इसका। अगर इसका V 100 वोल्ट है और ये दो कैपेसिटर्स इससे बने हुए कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये भी 100 वोल्ट और 100 वोल्ट पे होंगे। ठीक है, यहां तक 100 वोल्ट पे हैं। तो इसमें चार्ज क्या आएगा, Q इज CV, तो 100 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 इंटू V की वैल्यू क्या है, 100। तो चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर भी सेम डायमेंशन हैं, तो चार्ज इसके ऊपर भी क्या आएगा, 10 की पावर माइनस 8 कूलम। अब ये वाला कैपेसिटर किससे बना हुआ है, इन दोनों से, कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, 10 की पावर माइनस 8 कूलम, इसके ऊपर 10 की पावर माइनस 8 कूलम, इसके ऊपर कितना था, 10 की पावर माइनस 8 कूलम, और इसके ऊपर कितना है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। चार्जेस आ गए। अब हर कैपेसिटर पे अगर V निकालना है, तो ये लो, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू बाई सी, क्यू बाई सी, क्यू बाई सी एंड क्यू बाई सी। आंसर शायद यहां पर गलत आ रहा है इसका, वो करेक्ट कर लेना, लेकिन मेथड समझ में आ रहा है सबको कैसे करना है इसमें, कोई डाउट इसमें?